मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार व सदर भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर किया जुबानी प्रहार। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिलासपुर में अथाह विकास करवाया है। बात चाहे बिलासपुर एम्स की हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, रेलवे या फिर फोरलेन की हो, यह सभी कार्य भाजपा सरकार की देन है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दे जो उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए बिलासपुर में लाया हुआ हो। कांग्रेस सरकार द्वारा एक भी कार्य बिलासपुर में नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सदर से जो भाजपा नेता नाराज चले हुए हैं, उन सभी को जल्द ही मना लिया जाएगा और सभी एक साथ होकर चलेंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता भाजपा छोड़ आजाद उम्मीदवार यानी सुभाष शर्मा मैदान में खड़े हैं, वह उनके काफी अच्छे दोस्त और राजनीतिक सफर में हमेशा साथ खड़े हैं, लेकिन इज्जत सिर्फ पार्टी में रहकर ही होती है। सुभाष शर्मा ने पार्टी छोड़कर गलत डिसीजन लिया है। जम्वाल ने कहा कि भाजपा का परिवार बड़ा है, नाराजगी चलती रहती है, सभी को साथ लेकर चलेंगे और सभी का समर्थन मिल रहा है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि वह लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और वह इस बार चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ेंगे। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि 5 साल उन्होंने हिमाचल सरकार में रहकर कार्य किया है और जहां भी वह अभी जा रहे हैं वहां पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। कोल डैम बना अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। मैं कल कोल डैम में था तो लोग कह रहे थे कि यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया। जब मैं कल ब्रह्माणा में पहुंचा तो लोगों ने कहा कि एसीसी शांता कुमार जी की देन है। एम्स बन गया, कोल डैम अटल जी ने दिया, एसीसी शांता कुमार जी ने दी, एम्स नड्डा जी ने दिया, हाइड्रोलॉजी कॉलेज नड्डा जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से दिया, फोर लेन हमारी सरकार लेके आई, बनाया भी, कंप्लीट भी किया, रेलवे हम लेके आए, अभी दरिया के आर पार 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लेके आए। कांग्रेस एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दे जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा पैसा बिलासपुर में लगा हो, एक प्रोजेक्ट बता दे, एक कोई प्रोजेक्ट जिसमें हमारे बिलासपुर के लोगों को रोजगार मिला हो, जिसमें हमारे बिलासपुर के लोगों को स्वरोजगार मिला हो। कहा कि यह चुनावी स्टंट है। जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई तो बोला बजरी पानी का, बजरी रेते का और पानी का वो करके चले गए, उसी का पूजन करके चले गए, जमीन पे कुछ नहीं है। जब बनके तैयार हो गया, चल पड़ा, ओपीडी चल पड़ी, तो कहने लगे कि यहां तो उंगली का इलाज नहीं हो रहा है। मानसिकता देखिए, बिलासपुर को विकास चाहिए नहीं चाहिए, एम्स बना या नहीं बना? एम्स एक बिल्डिंग नहीं है, एम्स लगभग 1250 बीघे में बना है, कितना ह्यूज शहर वहां बन गया। एम्स सिर्फ बिल्डिंगें नहीं है, उसमें जो मशीनरी आई है, उसमें जो डॉक्टर आए हैं, स्टाफ आया है, कांग्रेस एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रही है कि जी लोकल नहीं लगे। डॉक्टर ऑल इंडिया से आएगा कि नहीं आएगा? मशीनें विदेशों से आई तो उसको चलाने के लिए एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? डॉक्टर एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था हुई, सबसे ज्यादा अगर बाकी छोटी पोस्टों में रोजगार मिला है तो बिलासपुर के लोगों को मिला है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।